नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम एक और नए मोनूमेंट देखने के लिए चलेंगे, चलिए मेरे संग दुल्हन दरवाज़ा। यह दरवाज़ा भी बहमनी सुल्तान के द्वारा ही बनाया गया है। यह पूर्व दिशा की ओर मुंह करकर बना हुआ है। आज इस दरवाजे के पट नहीं है, यानी दरवाजे नहीं हैं, निकल चुके हैं, लेकिन ये दरवाज़ा एक ज़माने का सबसे मशहूर दरवाज़ा, क्योंकि यहाँ से राजा लोग हैदराबाद जाने के लिए इसी रास्ते का प्रयोग करते थे। इस दरवाजे के आगे का जो रास्ता है वो जे शेप में बना हुआ है। इसका कारण यही है कि दुश्मन तेजी से आक्रमण ना करे, अपने हाथियों द्वारा या अपने सैन्य बल द्वारा या अपने तोप से ये आक्रमण ना करे, इसलिए इसका जे आकार में बना हुआ है। आज नए दौर में इस रास्ते का बहुत कठिनाई से, अर्थात बड़े बस लॉरीज वगैरह यहाँ पर टर्न ना लेने के कारण, इसमें तकलीफ होने के कारण सरकार ने इसको बाजू से रास्ता बनाया है और इस पुराने रास्ते को बंद कर चुके हैं। इस दीवारों को देखिए कितने मजबूत और कितने काले पत्थरों से बनाया गया है, इनकी मजबूती भी बड़े बड़े सुराख ऊपर से नहीं रहते थे। और ये जो गोम दिख रहा है ये तोप रखा करते थे, क्योंकि दुश्मन अगर आए तो तोप और तीर और गोलियों से बड़े लंबे बंदूक रहा करते थे, उस दौर में उससे शूट करते थे। शहरी लोगों के लिए ये चार दरवाजे थे, मंगलपेट दरवाज़ा, फतेह दरवाज़ा, शाहगंज दरवाज़ा और दुल्हन दरवाज़ा, बाद में बना नया कमरा। तो इस प्रकार से लोगों को आने जाने के लिए दरवाजे बनाए गए थे। ये चार दरवाजे तीन दिशा में हैं, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। उत्तर की तरफ किला है। ज़्यादातर इस दरवाजे का उपयोग बहुत होता था, क्योंकि ये रास्ता जो है हैदराबाद की ओर जाता है, तो यहाँ से आवागमन बहुत था लोगों का। बहुत पुराना दरवाज़ा और बहुत ही आवागमन था इस दरवाजे से। करीब करीब इस दरवाजे की कमान 30 से 40 फीट की है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। Skills with LINAC by choose National Online Aptitude Test. Get up to